बीते काफी समय से लोगों और वन विभाग के लिए परेशानी बना तेंदुआ आखिरकार आज पकड़ में आ गया। शाम करीब 7:30 बजे वन विभाग द्वारा कल्लोक के जंगल में लगाए गए पिंजरे में जय तेंदुआ कैद हुआ, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे बेहोश कर टूटी कंडी चिड़ियाघर लेकर आई। DFO वाइल्ड लाइफ रविशंकर ने बताया कि पूरी टीम के सहयोग से आज ये कामयाबी हासिल हुई है, अब इसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। यू बायोलॉजिस्ट अक्षय बजाज ने बताया कि बीते 2 सप्ताह पूरी टीम के साथ वो जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और तेंदुए की हर तरह की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। ये पूरा ऑपरेशन करना उनके लिए एक बड़ा टास्क था जो सब रहा। ऑपरेशन में प्रमोद कुमार, रेंज ऑफिसर विनय कुमार, नरेंद्र कुमार, ईश्वर दास, अक्षय फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा रेस्क्यू टीम शामिल है। गौरतलब है कि बीते माह डाउन जेल से तेंदुए द्वारा एक बच्चे को शिकार बनाए जाने के बाद पूरे शहर में एक डर सा माहौल बना हुआ था, जिससे लोग अब चैन की सांस ले पाएंगे। जी सर, जो आज लेपर्ड पकड़ में आया है, कहाँ से पकड़ा है और किस तरह से मतलब पकड़ में आया आपकी? नहीं, जैसे आप सबको पता है, हम कई दिनों से, जैसे दूसरी घटना हुआ था उसके बाद कई दिनों से हमारे रैपिड रेस्क्यू टीम और अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो साथ साथ मिला के लेपर्ड को पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश किए थे। तो हमारे जो स्ट्रैटेजी था, पहले वो कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज का था कि आइडेंटिफाई करें कौन सी जंगल यूज़ कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है कि क्या ट्रेल यूज़ कर रहा है, और उसके बाद हमने जो भी जानकारी हमको मिला था उसके आधार पर हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे केजेस सेट किया था। और अभी एक बात ये कि आज शाम करीब 7:30 बजे के करीब कनलोक क्षेत्र से एक केज में हमको एक लेपर्ड पकड़ा गया है और उसका सेफ कैप्चर हुआ है। ट्रैंकुलाइजेशन करके हम अभी वो रेस्क्यू सेंटर में ट्रांसफर करेंगे। तो सर, अगर बात की जाए तो जो आपकी पकड़ में आया है वो कितनी एज, मतलब कितना बड़ा होगा? मतलब वो सब जैसे अभी हम पहले उसका हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करेगा वेटनरी डॉक्टर, उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस होंगे उसकी कि क्या जेंडर है, क्या एज हो सकता है, और उसकी स्कैट एनालिसिस, हेयर कलेक्शन सब हो जाएगा और सब एनालिसिस के बाद पता लग जाएगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अक्षय बजाज है। ये पूरे ऑपरेशन में एक प्रेशर था आप लोगों के सर के ऊपर, उस प्रेशर में आप लोगों ने काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ी? चैलेंजिंग तो बहुत था, इतना बड़ा जंगल है, हम लोग हर डेली हम लोग जंगल में जाते हैं, हम लोग उसके एविडेंस देखते थे, कैमरा ट्रैक्स हमने लगाए ताकि हमें उसका मूवमेंट ट्रैक हो सके, हम उसके सेकेंडरी एविडेंस में हमें उसका स्कैट हम देखते थे और कोई हेयर सैंपल हमें कोई मिल जाए तो फिर हम आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करते थे उसका, उसको फॉर रिपोर्ट्स भी हमने मतलब लैब्स के लिए भी भेजा है उसको। तो काफ़ी चैलेंजिंग था डेली, इतना सुबह से हम लोग 6 बजे निकल जाते हैं, रात को हम 8-8, 10-10 बजे आ रहे हैं वापस, तो काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी हम टाइम से इसको ट्रैक कर रहे थे, तो फाइनली आज हमारा ये सक्सेस हो गया, आज ट्रैप कर लिया हमने इसको। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पिंदर चौधरी की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।